गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज है भाई दूज और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देख सकते हो कल मम्मी गई थी और आज अभी आ चुकी है मॉर्निंग में। अभी टाइम मैं आपको बताऊं तो टाइम अभी हुआ है 8 बजे और 8 बजे तक मम्मी भाई दूज करके लौट भी आई, क्योंकि आज सुबह सुबह क्योंकि दीदी वगैरह आ रही है, सब लोग आ रहे हैं तो इसीलिए। और मम्मी से पूछते हैं कैसी गई भाई दूज। मम्मी ना उन्हें बहुत काम पड़ा। मम्मी पूरे एक साल बाद गई थी नानी घर पे, बहुत दूर पड़ता है उनका घर, जल्दी जा भी नहीं पाती है। अपने मम्मी पापा को एक साल बाद देखती है, ऐसा लगा देख के बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा इन्हें देख के। एक दिन बाद देखा तो, और कहीं एक साल बाद देखेंगे तो क्या होगा आप लोग खुद बताओ। और मम्मी नानी घर से एक अनोखा फल लेके आती है जो हम लोगों को हर साल खाने के लिए मिलता है, जो आप लोग खाते नहीं मिलता होगा क्योंकि ये हर जगह होता भी नहीं है। सो इसे कहते हैं हिंदी भाषा में चकोतरा और इंग्लिश में पता नहीं क्योंकि कभी सर्च नहीं किया। तो ये बहुत ही अनोखा फल होता है, ये जल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये नानी के घर में बहुत पुराना पेड़ है की तरह, उसमें ऑरेंज पीस निकलते हैं, इसमें पिंक पीस निकलेंगे और वो भी इतने इतने बड़े, कम से कम जब हम काटते हैं आपको तभी दिखाएंगे। जी ये खाएंगे जरूर हम लोग और आपको इसका ब्लॉग अलग से ला के देंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कल बड़ी दीदी आ गई थी और आज छोटी दीदी आने वाली है, तो वो आएंगी और युगिन आएगा, सभी लोग आज इकट्ठे होने वाले हैं। तो भाई सबसे आज मिलाने वाले भाई दूज होगी, वो भी दिखाएंगे। हम दोनों तो करते नहीं है क्योंकि हम दोनों केवल राखी बांधते हैं और हम दोनों साथ ही रहते हैं। हम लोग सही है क्योंकि मतलब इधर बहुत ठंड होने लगती है, तबीयत सही नहीं होती, नहाने का मन नहीं करता, कभी कभी जुकाम भी होता है, उधर गर्मी होती है। चाहे सुबह सुबह कितने भी जल्दी रक्षाबंधन का मुहूर्त हो तो आप 4 बजे भी नहा के कर दोगे, पर ये भैया बहुत खतरनाक त्योहार माना जाता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को यहीं से, बाकी चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं और उसको वैभव को और सानवी को हम लोग स्कूटी पे एक राइडिंग भी करा लाए, वो आपको दिखाया कि काफी इंटरेस्टिंग था। तो दिखाने के लिए वो बनता नहीं है दिखाने का, चलिए अब जाएंगे तो फिर से दिखाएंगे। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड देख सकते हो अभी योविन भी आ चुका है, इधर देखिए जीजू बैठे हैं चाय पी रहे हैं और ये देखो भाई सब लोग आ चुके हैं। देखो युविन, युविन हेलो, युविन हेलो हेलो करो, हेलो 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 कर। ये दीदी रही भाई देख सकते हो, ये देखो आदित्य रेडी है बिल्कुल भाई दूज के लिए। क्यों आदित्य चुस्की चुस्की आ रहे भाई जो हेलो तुमने जब यहाँ सुन करो मेरा ये सानवी खड़ी है, देखो भाई सानवी हंस रही है देख देख के। देख सकते हो भाई यहाँ पे अभी खाना रेडी हो रहा है, ये फूल आलू की सब्जी रखी है, बाकी यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है। तो बस अभी खाना रेडी होता है उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर भाई दूज वगैरह होगी सभी की। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कल यहाँ पे गोवर्धन थे, अब यहाँ पे एक चौक बना दिया गया है, इसी के चार दोनों ओर खड़े होके यहाँ पे भाई दूज हो जाएगी। इधर अब ये लोग रेडी है भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ भैया, जल्दी आ जाओ, अब इनका नंबर है, जल्दी जल्दी करो भाई। भैया हमारे शॉर्ट्स में ही भैया करा रहे हैं भाई, चलो स्टार्ट करो। ले गए पैसे भैया, जल्दी दे दो भाई। सबकी भाई दूज हो चुकी है, अब छोटी छोटी श्रद्धा स्थान भी रह गई है, चलिए उनकी भाई दूज करते हैं, देखते हैं, हम कह रहे हैं हम करते हैं, चलिए उनकी करवाते हैं। अरे वाह भैया कचौड़ी खा रहा है भाई, चलो जल्दी जल्दी करो, शांत रहो करो करो करो, देखो अरे वाह हीरो बाबू, जल्दी करो खिलाओ। अरे बाबू ये दीदी को दे दो, दीदी को दे दो, दीदी को ले दीदी के पैर छुओ, पैर छी लो दीदी, इधर आओ। अरे अरे लेट मत, इधर आओ, अरे दिख रहा है नीचे, दीदी के पैर छुओ जल्दी। अरे वाह भैया भाई सानू आ चुकी है, देख सकते हो सानू करेगी भाई दूज, चलो चलो सानू सानू, चलो बैठो बाबू, बैठो वैभव, बैठो वैभव, बैठो
सामान तुम चलो पकड़ो करो। अरे बहुत ऊंची हो गई, मिठाई खिलाओ। तिलक कर पहले, तिलक कर पहले, ये गोले में तिलक करो, ये तिलक। देखो देखो, अरे लगा लगा लगा, पैसा चौके पे लग गया। बस 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 छोड़ दो, अब खाओ मिठाई का। अब खा ले, चल अरे फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा, श्रद्धा सानवी ने भी कर दी, और लोगों का भाई भाई दूज आप लोगों को सबसे ज्यादा फनी लगी होगी, क्योंकि वैभव के रिएक्शन भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, बाकी ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग भाई दूज तो अब खत्म, सबने कर दी, अब देखते हैं आगे खाना वगैरह खाएंगे और क्या क्या करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं। हो भाई, ये अपनी अंजू मासी से इतने टाइम बाद मिली है, बोलती तक नहीं है नालायक, और देखो बाल बनवाने के लिए कैसे बैठी है, अब तो शर्म नहीं लग रही है। क्यों, इधर देखो, श्रद्धा कपूर अब इधर देखना, बिखरी जाएगी। अब देखो, अब तो शर्म नहीं लग रही है। ए श्रद्धा, अब शर्म तो नहीं लग रही है। फ्रेंड्स अभी नहा के आ चुके हैं, अब देखिए अभी चलते हैं घूमने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। वेट कीजिए थोड़ा सा, देख सकते हो भाई, देखो कैसे थर्माकोल के अंदर बैठ के दूध पी रहा है। और एक इधर देख सकते हो, अंशिका आ गई है। अंशिका के बिना तो ब्लॉग ही अधूरा रह जाता है। और कुछ बोलना चाहोगी आप? कितने रुपए मिले भाई दूज पे, ये तो बता दे। 500 रुपए कहाँ गए, कहाँ गए? 100 रुपए के लिए 500 बता रही, वाह कितना झूठी लड़की है ये। तू ही निरंकार, तेरे बिना श्याम, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हरे हरे नदी हमार पुराण डूबल लागे, चाहया नहीं कोई रे। भाई श्रद्धा को देखिए, पूछिए कहाँ जाना है। पुलिया काय से जाना है ये तो बता दो। स्कूटी से जाने के लिए जिद कर रही है, तो चलिए इनको घुमा के लेके आते हैं, क्योंकि ये सुबह नहीं जा पाई थी। सुबह वैभव और सानवी को हम लोग लेके गए थे, बहुत मजा किया इन लोगों ने, और ये बेचारी सो रही थी। तो चलिए अब इनको लेके चलते हैं, इनको थोड़ी मौज करा के लाते हैं, ठीक है चलें। तो फ्रेंड्स श्रद्धा को भी स्कूटी से घुमाना है, और हम लोग अभी खा पी के बाहर से आए थे सभी लोग, तो फोन वगैरह रखने की जगह नहीं होती इसलिए ले नहीं जा पाते हैं। तो बाकी आज के ब्लॉग में आपने काफी एंजॉय किया होगा, काफी अच्छा लगा होगा, और भाई दूज आप लोगों की कैसी गई वो आप लोग जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।